तो कैसे हो बेब्लेड के फैंस। सो गाइस, आज के वीडियो में आपको एक बहुत ही औसम बात पता चलने वाली है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट नहीं किया है, तो प्लीज़ अभी से अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो। अब हम लोगों के 9,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, सिर्फ 400 या 450 सब्सक्राइबर बचे हैं, तो जल्दी से जल्दी पूरा कर दो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक ऐसे बेब्लेडर के बारे में जानेंगे जिसकी डेथ का कारण एक बे बैटल है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। यदि बेब्लेड आप सभी का ट्रू लव है, तो आप सभी को व्हाइट स्मिथ राइट नाम का कैरेक्टर याद ही होगा। बेब्लेड वी फोर्स में जब काय बेब्लेडिंग छोड़ देता है, तो काय एक स्कूल में स्टडीज के लिए चला जाता है। वहां पर उसको एक जूनियर स्टूडेंट मिलता है जिसका नाम व्हाइट होता है, और वो काय का और बेब्लेडिंग का बहुत बड़ा फैन होता है। हर समय काय के आगे पीछे लगा रहता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि उसको वो काय बेब्लेडिंग के लिए ट्रेनिंग दे। लेकिन काय उससे कहता है, निकल पहली फुर्सत में निकल। काय उससे कहता है कि मैं तुम्हें ट्रेन नहीं कर सकता। फिर व्हाइट उससे कहता है कि मैं एक दिन तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रांग बेब्लेडर बनूंगा। उसके बाद वो टीम साइकिक के मेंबर्स वाइट को अपनी टीम में ऐड कर लेते हैं और वाइट को साइबर ड्रॉन्जर को कंट्रोल करने की क्लियर ट्रेनिंग देते हैं। फिर वाइट वापस आकर काय को बे बैटल के लिए चैलेंज करता है। तभी डंगा वहाँ आता है और वाइट और डंगा के बीच में बेब्लेडिंग का युद्ध छिड़ जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो भी बेब्लेडर साइबर बीट बीस्ट को यूज़ करता है, उसका दिमाग एकदम ख़राब सा हो जाता है। उसका खुद पे कंट्रोल नहीं रहता, उस ब्लेडर का खुद के ब्रेन और हार्ट पर कंट्रोल नहीं रहता है, और उसका जो माइंड है उसको और हार्ट को माइंड को और हार्ट को फिर वो साइबर बीट बीस्ट ही कंट्रोल करने लगता है। सेम थिंग वाइट के साथ भी हुई। वो डंगा को हरा तो देता है, लेकिन साइबर ड्रॉन्जर को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाने के कारण वो पागल हो जाता है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। ये डेथ वाला सीन जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो जैपनीज़ वाले एपिसोड से लिया गया है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी वर्जन में इसको कट कर दिया गया था। सेंसरशिप की भी सीमा होती है। फिर काय प्रतिज्ञा करता है कि वो टीम साइथिक को ज़रूर सबक सिखाएगा। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, जल्दी सब्सक्राइब करो यार, केवल 9,000 से अब थोड़ा सा ही दूर हैं हम लोग। और इंस्टाग्राम पे आओ, फॉलो कर लो। जब तक तुम लोग हमें फॉलो नहीं करोगे, तब तक हम लोग जो जितने भी है वॉइस आर्टिस्ट हैं, उन सभी का इंटरव्यू हम लोग नहीं ले पाएंगे। और मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी काफ़ी सारे वॉइस आर्टिस्ट या वॉइस एक्टर जो भी कहते हैं उनका इंटरव्यू लूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड।